स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। आई होप सब अच्छे होंगे। तो हम आए हैं आज दिल्ली में वेस्ट टू वंडर पार्क, और यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे दुनिया के सात अजूबे जो यहाँ पे बनाए हुए हैं इसी पार्क के अंदर अंदर। और हमारे साथ है मिस्टर सलमुद्दीन भाई। तो आइए मिस्टर सलमुद्दीन भाई, कैसे हो? आज फिर इस नए ब्लॉग में नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, मजा आने वाला भाई पूरा कम्प्लीट। तो आइए लेट्स गो। ये पुराने जमाने का स्कूटर है और ये मैंने ही बेचा था इसे कंपनी को। हेलो भाई, ये मिस्टर पिरामिड है, साथ में अनुमा है। बिल्कुल सही बात है। ये सोफी है, मतलब हमारे दिल्ली में सोफी है जी। मैं इसे रियल में देखना चाहता। मिस्टर सलमुद्दीन, अगर हम जाएंगे मिस्र तो आपको डायरेक्ट दिखाएंगे। तो भाई प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस चैनल को इतना बड़ा कर दो कि अब हम आपको डायरेक्ट जाके इजिप्ट जाके आपको उसका पूरा व्यू दिखाएं, तीनों पिरामिडों का। ओके, तो गाइस नेक्स्ट हम चलते हैं सीधा इटली में शहर में पीसा की झुकी हुई मीनार के पास में। ये पीसा की झुकी हुई मीनार है और ये इटली के गिरजाघर में है बनी हुई, और ये भी एक अजूबा है सातों अजूबों में से। ये देखिए, बहुत अच्छी तरीके से इसको बना हुआ है। असली स्ट्रक्चर इसका इटली में है और हम आपको इसकी डमी दिखा रहे हैं। तो ये आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, इसे देख के कैसा लगा आपको? सर हिस्ट्री क्या पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छा लग रहा है। एक्चुअली हम चाह रहे हैं कि हमारा पूरी टीम की पूरी टीम इटली जाए और इसको वहीं पर जाकर एक्सप्लोर करें। हम पीसा की झुकी में आ रहे हैं, ये 12वीं शताब्दी में बनाई है रोमन कैथोलिक द्वारा और ये इटली शहर में स्थापित है। जब इसका स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ था तभी ये झुक गई थी मैं, और तब से अभी तक वहाँ पे ऐसी झुकी हुई है। यार इंशाल्लाह देखो बिल्कुल असली भी दिखाएंगे आपको। और ऐसी ही झुके हुई स्ट्रक्चर बना है गाइस। जी जी, सेम टू सेम फोटो कॉपी है। आओ इसका ओरिजिनल दिखाता हूँ मैं आपको, ये इसका ओरिजिनल है, तेरा झुका हुआ है इसमें भी। तो भाई फिलहाल हमने दो अजूबे एक्सप्लोर कर लिए हैं, अब हम सीधा जा रहे हैं लव बर्ड्स जहाँ पे जाते हैं, आईफल टावर। आओ पेरिस शहर, चलो मोहब्बत का शहर। बड़ी चिकनी तो हम आ चुके हैं आईफिल टावर पे, जो ये भी एक अजूबा है, सात अजूबों में से एक अजूबा है और ये तीसरा अजूबा हमारी तरफ से दिखाया गया आपको। तो ये अमीर भाई इसकी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, ये देखिए ये इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर है और ये इसका डुप्लीकेट बना हुआ है, सब कुछ देख सकते हो आप। और ये हमारी टीम के दो बंदे खड़े हैं, ये कुछ इसके बारे में बताएंगे। बताइए जी क्या कहना चाहते हो इसके बारे में? सब गिजरा लव बर्ड्स के लिए विजिट है, पेरिस शहर में स्थित है ओरिजिनली, और आईफिल टावर बहुत अच्छा वहाँ भी, ये तो वहाँ पर भी लोहे का ही बना हुआ है, ये तो सैम डिजाइन है, वहाँ पे भी लोहे का ही बना हुआ है। तो कैसा लगा फिर आपको? बहुत अच्छा लगा है, पीस दूर से जाकर अब इसका सारा एक व्यू दिखाओ। ये देखिए सैम टू सैम ऐसी है। तो फिर अब टीम कंप्लीट कर दी हमने, अब चौथे पे जाते हैं, भाई अपन का बहुत स्ट्रांग है। तीन अजूबे दिखा चुके हैं आपको, अब चौथा अजूबा दिखाते हैं आपको। ये जो बंदा है ये सिर्फ फोटो खींचता है और कुछ नहीं करता है, हालांकि इन्हें भी एक जिम्मेदारी दे रखी है, ये आईडी संभालते हैं। तो सर अभी अपन चौथे अजूबे की तरफ चलने वाले हैं और मैं आपको दिखाने वाला हूँ, हमारी टीम तो पहले ही पहुंच जाती है सब जगह। देखो ये भी सर रोम में ही है, इटली आर्जियो टेम्पलिस पेसिस है इसको बोलते हैं, शांति का मंदिर अपने इंडिया में हिंदी में बोलेंगे तो। और इसका निर्माणकार जो किया था वो वेस्पासियन या टाइटस ने किया था। तो कैसा लग रहा भाई? असल बात क्या है, ये जो सब चीज़ें हैं ना रॉ मटेरियल की बनी हुई है, आपको देख रहे होंगे, लेकिन बनी हुई इतनी अच्छी है, बहुत ही अच्छी बनी हुई है सब खराब मटेरियल उठा के उन्होंने बना दिया बस ऐसे ही। और फिलहाल हमने ये चार एक्सप्लोर कर लिए हैं और हम इसके बारे में तुम्हें बाकी सब चीज़ बता सकते हैं,
इसको आप सांसद समझ सकते हो, जैसे हमारे यहाँ पे सांसद है ऐसा की। और सर समीर भाई बोलो। मैं क्या बोलूं, कुछ तो बोलो यार। पांचवा जूबा देखने को जी कर रहा है। चलो तो चलो, फिलहाल आपने ही देख लिया है सर। बन जाएगी, बन जाएगी। तो दिखा, अजूबा दिखाते रहो, ये अजूबा का खूबसूरती क्या है। इसका मैंने आपको पूरा 90% व्यू दिखा दिया है, 90 डिग्री व्यू दिखा दिया आपको मैंने। तो चलते हैं पांचवें अजूबे की तरफ। को गाइस, ये पांचवें अजूबे में है, ये अजूबा है। और आपको हम आज पांचवा अजूबा दिखा चुके हैं। और गाइस, मैं आने जाने के लिए हो गया था, मैंने सोचा कि मुझे काम हो जाए, सलमुद्दीन भाई जा रहे थे आगरा, आगरा जाने की सोच रहे थे, लेकिन एक जो है यही भी देख लिया हमने, फर्जी ताजमहल। और बहुत बढ़िया ताजमहल। तो दोस्तों, हमने पांचवा एक्सप्लोर कर लिया है अजूबा, और हमारी टीम यहीं पे है। तो भाई, हम जा रहे थे आगरा ताजमहल देखने, लेकिन हमें पता लगा एक फर्जी ताजमहल है यहाँ पे दिल्ली में, तो हम यही आ गए यार देखने से। ये लोहे का बना हुआ है, रॉ मटेरियल का मतलब वेस्ट मटेरियल पड़ा हुआ होता है। नहीं नहीं यार, एक्चुअली आगरा जाएंगे अभी नेक्स्ट महीने, अगर आप लोग प्यार दिखाओगे तो। हम बिल्कुल एक जो भी नंबर वन अजूबा जो है, जो सचमुच का बना हुआ ताजमहल, अगले महीने दिखाएंगे उसे, तो बिल्कुल अगले महीने ही। बाकी पासपोर्ट डाल दिया है और अपन जाने वाले हैं जल्दी से। तो चलते हैं पांचवे अजूबे की तरफ को। पांच सटे की तरफ जाना है। तो गाइस, स्पेस है छठा अजूबा जो हम आपको एक्सप्लोर करा रहे हैं। इसका नाम है द रिडमियर क्रिस्टो रेंडर, रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में है ये सर। इसका स्थान है कोरकोडोर पर्वत, रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील। और हम इसको एक्सप्लोर करा रहे हैं आपको फुल। देखो इसमें इन्होंने रॉ मटेरियल यूज़ किया है, इलेक्ट्रिक पाइप्स हैं, ऑटोमोबाइल स्क्रैप, बाइक चेन्स, स्पेयरिंग फोर हेयर और साइकिल्स, रिक्शा हैंगल्स, 4-5 टन ऑफ स्क्रैप इन यूज़, 4-5 टन स्क्रैप इसमें यूज़ हुई है भाई साहब। बहुत बढ़िया जी। मिस्टर सलमुद्दीन पोज दो ना ऐसे ही दो। वाह वाह, ये भाई साहब 30 मीटर ऊंची है। तो गाइस, हम जा रहे हैं लास्ट अजूबा, सातवें अजूबे के करीब, और बने रहे, ये लास्ट अजूबा है, देखते हैं कैसा लगता है। बने रहे, ये लास्ट अजूबा है और सात अजूबे में से एक अजूबा है, तो बने रहे हमारी साथ। और दिखाते हैं और दिखाने वाले हैं, और ये रहा सातवां अजूबा, ये सातवां अजूबा है गाइस, ये देख रहे हो आप, ये आपने पहले भी कभी फिल्मों में देखा होगा। ये देखिए, ये सातवां अजूबा है, सात अजूबे में से एक अजूबा। हम स्थित है न्यूयॉर्क में, और काफ़ी बड़ी मूर्ति है यहाँ पे। मिस्टर सलमुद्दीन भाई, कैसा लग रहा है आपको देखकर? बहुत ही अच्छा लग रहा है। और क्या कहना चाहते हो तुम, बताओ इसके बारे में। कहना ये चाहते हैं, मैं सातवां अजूबा आपको लास्ट में खिला नहीं आया है। तो असली में कब घूमने जा रहे हो वहाँ पे? असली में घूमने जाएंगे जब आप याद नहीं होंगे। तो भाई, याद नहीं होगा। पूरी वीडियो देखने का आपका बहुत शुक्रिया। और भाई, ये मेरा नया चैनल मिस्टर सलमुद्दीन व्लॉग के नाम से, और इसे लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, और लाल बटन को तोड़ो गाइस, तोड़ दो, और ऐसी आपको वीडियो डालता रहूँगा और सपोर्ट करो गाइस। थैंक यू।